walk all over you. दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर सर्फर के बारे में। सिल्वर सर्फर जो कोई गॉड नहीं है, जिसने कभी लाइफ क्रिएट नहीं किया, लेकिन जिसकी पावर लगभग गॉड लाइक है। एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी जिसने अपने दुनिया के लोगों के लिए अपने जिंदगी को किसी और के हवाले कर दिया, किसी और का गुलाम बन गया, जो अपने अपनों को बचाने के लिए अपनों से ही दूर हो गया। मार्वल के सबसे नोबलेस्ट कॉस्मिक एंटिटी सिल्वर सर्फर। तो चलिए बात करते हैं सिल्वर सर्फर के ओरिजिन के बारे में। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। धरती से बहुत दूर एक प्लेनेट था ज़ेन-ला, जहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ था, नॉरिन रैड। यही है हमारे सिल्वर सर्फर, जिनके पिता थे ज़ेन-ला प्लेनेट के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जर्टन रैड, जो एक वक्त ज़ेन-ला सिविल वॉर के लीडर भी थे। ज़ेन-ला एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस बहुत ही दीर्घ आयु के ह्यूमनॉइड स्पीसीज रहते थे। धीरे धीरे जब नॉरिन रैड बड़ा हुआ, वो भी अपने पापा की तरह ज़ेन-ला के एक बड़े वैज्ञानिक बने, और उसके पिता ने उसे एक सम्मानित वैज्ञानिक नॉरिन कॉन के नाम से नामित किया, जिनका मेन जिम्मेदारी थी ज़ेन-ला के अज्ञात सभ्यता को आगे बढ़ाना और उसे एक परफेक्ट यूटोपिया में तब्दील करना, जहाँ पे किसी भी तरह का अफराद, बीमारी, भूख, गरीबी कुछ भी नहीं रहेगा। जिस दम घुटने वाले एनवायरमेंट के कारण उसके माँ ने सुसाइड किया था, और उसके माँ के गुजरने के बाद उसके पापा का किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध थे, और जिससे उसके पापा का एक और बेटा था जिसका नाम था फेनन रैड। और इन सारे चीजों के बारे में नॉरिन रैड को कुछ पता नहीं था। फिर कुछ साल बाद नॉरिन रैड के पिता ने भी सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनके किसी और के साथ नाजायज संबंध थे, बल्कि जार्ट्रन रैड को ये आरोप लगा था कि वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो दूसरों के आइडियाज चुराता है। सीधी भाषा में वो एक आइडिया चोर है। जिस आरोप को वो सह नहीं पाए। पिता को खो देने के बाद नॉरिन रेड एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा था। उसका एक लवर था शल्ला-बाल, जिसे वो बहुत प्यार करता था। नॉरिन रेड एक ऐसा जवान लड़का था जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। जिस उम्र में लड़के अपने लवर्स के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उसके पेट में नॉलेज का भूख और दिमाग में ज़ेन-ला वासियों के एडवांसमेंट के तरीके घूमते थे। लेकिन ज़ेन-ला प्लैनेट की शांति और नॉरिन रेड की जिंदगी एक झटके में बदल गई, जब एक बहुत ही खतरनाक स्पेसक्राफ्ट ज़ेन-ला प्लैनेट के डिफेंस को तोड़ के अंदर आ गया, जो था गैलेक्टस, एक ऐसा कॉस्मिक गॉड जो प्लैनेट्स की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। सीधी लैंग्वेज में गैलेक्टस प्लैनेट खाता है, और ज़ेन-ला के साथ भी गैलेक्टस वही करने आया था। लेकिन नॉरिन रैड गैलेक्टस के पास अपने प्लैनेट की भीख मांगता है, लेकिन गैलेक्टस नहीं मानता। फिर लाचार होके वो गैलेक्टस के साथ एक सौदा करता है कि अगर गैलेक्टस उसके प्लैनेट को छोड़ देगा तो जिंदगी भर गैलेक्टस की गुलामी करेगा, और उसके लिए नए नए प्लैनेट्स ढूंढेगा। और गैलेक्टस इस शर्त पर राजी हो जाता है और नॉरिन रैड को अपना गुलाम बना लेता है, और अपने कॉस्मिक पावर्स से कुछ पावर्स देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी एक सिल्वर कलर के अजीब से मेटल से कवर हो जाती है, और उसी सिल्वर मेटल का एक सर्फ बोर्ड भी आ जाता है, और तब से वो बनता है सिल्वर सर्फर। ऐसे ही 100-150 साल से सिल्वर सर्फर पूरी यूनिवर्स में घूम घूम के गैलेक्टस के लिए नए नए प्लैनेट्स ढूंढता था, और इस काम के वजह से उसे नए नए प्लैनेट्स की सुंदरता और वहाँ के नए नए स्पीसीज को देखने का और जानने का मौका मिलता था, जो चीज उसे बहुत पसंद थी। वो गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लैनेट्स ढूंढता था जिनमें कोई जिंदगी ना हो लेकिन एनर्जी से भरपूर हो। लेकिन दिन के दिन गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, और गैलेक्टस ये बात समझ गया था कि सिल्वर सर्फर जान बूझ के उसके लिए ऐसा प्लैनेट ढूंढ रहा है। इसलिए उसने सिल्वर सर्फर के दिमाग से नॉरिन रैड का सारे इमोशंस और मेमोरीज मिटा दिया, जिससे कि सिल्वर सर्फर ज्यादा वफादारी से गैलेक्टस के लिए काम कर सके। ऐसे ही एक दिन प्लैनेट्स की खोज में सिल्वर सर्फर पृथ्वी आ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई मार्वल के सबसे पहली टीम फैंटास्टिक फोर से। एक्चुअली मुलाकात नहीं,
भीड़ गया फैंटास्टिक फोर से, और फैंटास्टिक फोर के साथ इसी लड़ाई के दौरान सिल्वर सर्फर की मुलाकात हुई पृथ्वी की एक अंधी लड़की एलिसिया मैस्टर से, जिसने महसूस किया कि सिल्वर सर्फर के अंदर एक नरम दिल, एक दयालु इमोशनल शख्स है। और एलिसिया के साथ मिलने घुलने के बाद एलिसिया अपनी दोस्ती और बातचीत से सिल्वर सर्फर के अंदर छुपा नॉरिन रैड का वो इमोशंस और उस अच्छाई को फिर से जगा दिया। और फिर सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के साथ मिलके गैलेक्टस को धोखा दिया और उसे हरा के पृथ्वी से भगा दिया। इससे गैलेक्टस पृथ्वी को तो छोड़ देता है, लेकिन वो सिल्वर सर्फर को सजा के रूप में पृथ्वी पे कैद कर देता है, जिससे वो पृथ्वी छोड़ के कहीं पे ना जा सके। और इसलिए गैलेक्टस पृथ्वी के आसपास एक फोर्स फील्ड बना देता है, जिसको सिल्वर सर्फर पार नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के मदद से उस फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और अपने प्लैनेट ज़ेन्ला पे वापस जाता है। और एक बार तो सिल्वर सर्फर मर भी गया था और उसे देखने के लिए खुद गैलेक्टस भी आया था, लेकिन ये सारी बातें हम लोग किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सिल्वर सर्फर की हिस्ट्री मार्वल यूनिवर्स में बहुत बड़ी है, जिसे एक वीडियो में कम्प्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग सिल्वर सर्फर की हिस्ट्री को लेके एक और वीडियो बनाएंगे, जिसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ सिल्वर सर्फर। और पावर्स की बात करें तो उसके लिए एक और वीडियो आएगी, हाउ पावरफुल सिल्वर सर्फर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक सवाल, कुछ दोस्तों ने कहा था कि यार पहले जब वीडियो के आखिर में तुम सवाल पूछते थे तो जवाब देने में मजा आता था, इसलिए सवाल पूछा करो। तो इसलिए आप लोगों के लिए एक सवाल, सिल्वर सर्फर ने पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, नेमर और कुछ लोगों को लेके एक टीम बनाया था, जो कि उसकी पहली बनाई गई टीम थी, तो बताइए उस टीम का नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए।